श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों में सबसे पहले बात करते हैं प्रथम अध्याय की, जिसको अर्जुन विषाद योग की संज्ञा दी गई है। हस्तिनापुर में अपने राजभवन में बैठे धृतराष्ट्र संजय से बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? श्री वेद व्यास के द्वारा दिव्य चक्षु प्राप्त किए संजय युद्ध को देख रहे थे। उन्होंने उत्तर दिया, इस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चिकितान तथा बलवान काशराज, पुरजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैभ्य पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, और मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब प्रकार और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वो सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के सम्मान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंह आदि बाजे के साथ ही बज उठे। उन सबका शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके अनंतर सफेद होंठों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाया। श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक शंख, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए हैं। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अचित्य, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में किन किन के साथ युद्ध करने योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, मैं इन सबको युद्ध करने से पहले देखना चाहूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार वचन कहने के उपरांत महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने अर्जुन के उत्तम रथ को खड़ा कर दिया और कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। प्रथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों की सेनाओं में ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाइयों, पुत्र, पौत्रों, मित्रों, ससुर, सहद्रों को देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदायों को देखकर मेरे अंग स्थिर हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण, मैं ना विजय चाहता हूँ और ना राज और सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से जीवन जीने से क्या लाभ है? हम जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचा, पुत्र और उसी प्रकार मामा, ससुर, पौत्र
साले तथा और भी संबंधी लोग मेरे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी और तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता हो। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने के पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। और हे वैष्णवी, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर उत्पन्न होता है। वर्णशंकर कुलघातियों को और कुल को नरक ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृ लोग भी अधोगति को ही प्राप्त होते हैं। इन वर्णशंकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए। हे मधुसूदन, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो वो मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उत्पन्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। अर्जुन के इन प्रश्नों के साथ गीता जी का अर्जुन विषाद योग का प्रथम अध्याय समाप्त होता है।